दोस्तों बॉलीवुड की जानी मानी और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस जरीन खान ने सलमान खान की फिल्म वीर से बॉलीवुड में अपना कैरियर स्टार्ट किया। ये फिल्म तो इतनी हिट नहीं हुई, हाँ लेकिन एक्ट्रेस जरीन खान इस फिल्म की वजह से काफी हिट हो गई थी। लेकिन बहुत ज्यादा बोल्ड न होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा फिल्मों में काम न मिल सका और एक्ट्रेस को बहुत से डायरेक्टर्स ने अपने साथ अपनी रातें रंगीन करने का भी कहा, लेकिन जरीन खान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में इतनी फेमस ना हो पाई जितना इनको होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अब आकर एक्ट्रेस को समझ आ गई है कि इंडस्ट्री में कैसे चलना है और जरीन खान ने साल 2015 में हेयर स्टोरी 3 में अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाए जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया। दोस्तों जरीन खान जब इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं आई थी तो इनको मोटी कहकर पुकारा जाता था क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा था। एक्ट्रेस ने अब खूब मेहनत करके अपने वेट को कम कर लिया है और खुद को बहुत फिट कर लिया है और अब तो इनकी फिटनेस देखने लायक है। जरीन खान अब आए दिन अपने बोल्ड ड्रेसेस को लेकर खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। चंद दिन पहले एक इवेंट से फारिग होकर जरीन खान जब वापस जा रही थी कि इनके फैंस की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने तो जरीन खान के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ कैसी की होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे, जिस पर जरीन खान ने अपना दबंग अंदाज दिखाते हुए थप्पड़ों की बारिश कर दी। लेकिन दोस्तों एक्ट्रेस इससे भी ज्यादा सुर्खियों में तब आई थी जब अक्सर 2 फिल्म के फ्लॉप होने की वजह जरीन खान को बताया गया था, जिस पर एक्ट्रेस ने खूब एक्शन लिया कि एक तो मुझसे ऐसे ऐसे सीन करवाए और ऊपर से फिल्म फ्लॉप होने की वजह भी मुझे बना दिया। वेल दोस्तों जरीन खान एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और अब इंडस्ट्री को भी अच्छे से समझ गई हैं। अब चंद सालों में एक्ट्रेस बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम बन जाएंगी। तो दोस्तों आपको जरीन खान के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।